नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे संगणक भर्ती की जो कट ऑफ है उसको लेकर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। विभिन्न कोचिंग संस्थानों का सर्वे करने के बाद जो है कट ऑफ तैयार की गई है उसके बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि संगणक भर्ती की क्या कट ऑफ रहेगी और जो क्या कहते हैं रिजल्ट कब तक आने वाला है इसको लेकर सारी अपडेट आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं लक्ष्य क्लासेज उदयपुर की। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज उदयपुर सर के द्वारा जो कट ऑफ बताई गई है संगणक भर्ती की वो है यहाँ पे जनरल की। यहाँ पे इन्होंने बताई है पोस्ट कितनी है, ये भी यहाँ पे डिवाइड की गई है। जनरल की 129 पोस्ट है, ओबीसी की 75 है, एसटी की 43 है, एससी की 57 है, जनरल टीएसपी में जनरल की 21 है, एसटी की 26 है, एससी की यहाँ पे 2 पोस्ट है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं जनरल की कट ऑफ। इन सर ने बताई है 66 से लेकर 67 के बीच में जनरल की कट ऑफ बताइए। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे कट ऑफ नहीं बताई गई है। ओबीसी की बात करें ओबीसी की 65 बताई गई है इन सर के द्वारा। एसटी की बात करें एसटी की जो है अप्रोक्स 60 बताई गई है। एससी की बात करें एससी की यहाँ पे 61 से 62 बताई है। टीएसपी में जनरल की बताई है इन्होंने 60 बताई है। यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन शॉट है वहाँ पे जो सही से नहीं लिया है तो मैंने आप देख के बता दिया आपको। 60 यहाँ पे बताई है एसटी की, यहाँ पे बताया 55 नंबर और एससी की यहाँ पे बताया इन्होंने 57 नंबर एससी की यहाँ पे बताई है। ठीक है दोस्तों, ये डबल स्क्रीन शॉट है। इसके बात करें सर दोस्तों विवेकानंद वाले जो सर है उनके द्वारा जो कट ऑफ बताई गई है नॉन टीएसपी की बताई है जनरल की 65 से 67, ईडब्ल्यूएस की 64 से 65, ओबीसी की 64 से 65, एसटी की 60 से 62, एससी की बताइए 59 से 61, एमबीसी की बताइए 60 से 62, यह है एमबीसी की। इसके अलावा टीएसपी की बात करें जनरल कैटेगरी की बताइए 60 से 62, एसटी की बताइए 54 से 56, एससी की बताइए अप्रोक्स 60 इसकी एससी की यहाँ पे कट ऑफ बताइए। ठीक है दोस्तों, अब बात करें माइंड मैप वाले सर, माइंड मैप के जो सर है उनके द्वारा जो कट ऑफ बताइए ये बताइए नॉन टीएसपी की। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की इन्होंने बताइए 65 से 67, जनरल ईडब्ल्यूएस की बताइए 63 से 65, एससी की बताइए 53 से 55, एसटी की बताइए 56 से 58, ओबीसी की बताइए 64 से 66 और एमबीसी की बताइए 60 से 62। दोस्तों कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ यहाँ पे बताई गई है सभी अलग अलग टीचर्स की। कमेंट बॉक्स में आप भी अपने मार्क्स बताइएगा कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं वो भी आप बताइएगा। टीएसपी की बात करें टीएसपी की इन सर ने बताइए जनरल की 50 से 52, एससी की 47 से 49, एसटी की 40 से 42। ठीक है, अब बात करें उम्मीद क्लासेज वाले सर हैं इन्होंने बताइए जनरल की कट ऑफ बताइए 59 से 62, जनरल की इन्होंने बताइए वुमेन की बताइए महिला कैटेगरी की बताइए इन्होंने 55 से 58, ओबीसी की 59 से 61, महिलाओं की बताइए 58 से 59, एसबीसी की कट ऑफ बताइए इन्होंने 55 से 57, एसबीसी वुमेन की बताइए 53 से 55, एससी की बताइए इन्होंने 51 से 53, एससी महिला की बताइए 49 से 51 और एसटी की बताइए इन्होंने 50 से 53, एसटी जो महिला हैं उनकी बताइए 47 से 49 यहाँ पर बताइए कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बात करते हैं कबीरा एजुकेशन वाले सर हैं इन्होंने यहाँ पे बताई है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बताई है यहाँ पे 70 से 71 अप्रोक्स। यहाँ पे इन्होंने जो है अंतिम कट ऑफ बताई है, फाइनल जो कट ऑफ जाएगी एक गुना की कट ऑफ वो यहाँ पे बताइए। जनरल मेल की कट ऑफ बताइए 70 से 71, फीमेल की बताइए 66 और विडो की बताइए इन्होंने 40, डिवोर्स की बताइए 45। यहाँ पे एक एक करके लिख देता हूँ, मेल की बताइए 70 से 71, फीमेल की बताइए 66 और विडो कैटेगरी के हैं उनकी बताइए 40 नंबर और डिवोर्स की बताइए 45। ठीक है, ये है जनरल के अंदर। इसके बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस की बताइए महिला की तो बताइए 62 और पुरुष अभ्यर्थी की बताइए 69। ठीक है, और एससी की ये बताइए मेल की 57 से 58, एससी की बताइए फीमेल की 50। ये है अंतिम कट ऑफ बताइए दोस्तों इन्होंने, फाइनल कट ऑफ यहाँ पे बताइए जो लास्ट एक गुना की कट ऑफ जाएगी वो यहाँ पे बताएं इन्होंने, यहाँ पे लिखा है दोस्तों एक गुना की कट ऑफ यहाँ पे बताई गई है। एसटी की बात करें मेल की 61 से 62,
फीमेल की 53, ओबीसी की बताइए 68 से 69 और एक फीमेल की बताइए 63 यहाँ पे, ठीक है। एमबीसी की बताइए मेल की 64 से 65, फीमेल की 62 से 63। अब दोस्तों ये पढ़ाई करके चैनल है, यहाँ पे नाम थोड़ा जूम कर लेता हूँ, पढ़ाई 360 करके यूट्यूब चैनल है। इन सर के द्वारा जो कट ऑफ बताइए हम बात करते हैं, जनरल की बताइए मेल और फीमेल की 64 प्लस माइनस 2, ये पुरुष अभ्यर्थी है, 61 प्लस माइनस 2 महिला अभ्यर्थी की है। ओबीसी की बात करें 62 प्लस माइनस 2 महिला की बात करें 59 प्लस माइनस 2 करके ये कट ऑफ बताइए। एसटी की बात करें 53 प्लस माइनस 2 और महिला की बताएं 50 प्लस माइनस 2। आगे ये कट ऑफ है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऊपर है, थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। एमबीसी की बात बताऊँ, एमबीसी की आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ओबीसी की बताइए 60 प्लस माइनस 2, ये मैंने पहले बता दी। एमबीसी की बात करें 60 प्लस माइनस 2, 55 प्लस माइनस 2, ऊपर नीचे नंबर करके बताए प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2। और ईडब्ल्यूएस की बात करें 59 प्लस माइनस 2, 55 प्लस माइनस 2। एससी की बात करें 56 प्लस माइनस 2 और फीमेल की बात करें 52 प्लस माइनस 2। एन प्लस माइनस 2 ऊपर नीचे नंबर कर लेना, एक दो नंबर जो है ऊपर नीचे करके कर लेना, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे कट ऑफ बताइए। अब इसकी बात करें क्वालिटी एजुकेशन वाले सर हैं, इनके द्वारा बताई गई है नॉन टीएसपी की कट ऑफ है। जनरल की बताइए इन्होंने 66 से 68, ओबीसी की बताइए 65 से 66, एसटी की बताइए 58 से 60, एससी की बताइए 55 से 57। इसके बाद करें टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ बताइए, ये यहाँ पे है टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ है, जनरल की 58 से 60, एसटी की बताइए 55 से 57, एससी की बताइए 56 से 58। इसके बाद हम बात करें आरपीएससी अड्डा वाले सर है, आरपीएससी अड्डा वाले सर है, इनके द्वारा जो कट ऑफ बताइए। जनरल कैटेगरी की बात करें जो है यहाँ पे 66, महिला की 64, ईडब्ल्यूएस की बात करें 65 और महिला की बात करें 59, ओबीसी की बात करें 65 और महिला की बात करें यहाँ पे 61, एससी की बात करें 54, महिला की बात करें 46 जो यहाँ पे कट ऑफ बताइए। एसटी की बात करें 57 और महिला की बात करें 50, एमबीसी के अंदर हम बात करें 62 और 41 यहाँ पे कट ऑफ बताइए इनके द्वारा। अब बात करते हैं डेनियल क्लासेस वाले जो सर हैं उनके द्वारा कट ऑफ बताइए। जनरल कैटेगरी की 65 से 70 पुरुष अभ्यर्थी, महिला है 63 से 68, ईडब्ल्यूएस की बात करें 63 से 68 और महिला की बात करें 60 से 65, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ओबीसी की, ओबीसी की बात करें महिला की, वो पुरुष अभ्यर्थी की है 63 से 68, महिला की है 60 से 65, एसटी की बात करें 55 से 60, महिला की है 50 से 55, एससी की बात करें एससी की 52 से 57, महिला की है 48 से 53, एमबीसी की बात करें 60 से 65 और एमबीसी की बात महिला की बात करें 53 से 57 यहाँ पे कट ऑफ बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने अलग अलग टीचर्स है, यूट्यूब वाले टीचर है, कोचिंग वाले टीचर है, उनके द्वारा जो कट ऑफ बताइए वो मैंने यहाँ पे कट ऑफ का एनालिसिस आपको बता दिया। अब जो क्या कट ऑफ रहने वाली है इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ, मेरे द्वारा जो क्या कट ऑफ बताइए अंतिम जो निर्णय है उसको लेकर एनालिसिस किया है सभी कट ऑफ को लेकर जो है वो यहाँ पे कट ऑफ में आपको बताने वाला हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपके कितने मार्क्स है, कितने यहाँ पे आपके कट ऑफ बन रही है वो भी आप कमेंट बताइए। कैटेगरी वाइज जो है सभी अपने अपना कमेंट करना, जो मैं अंतिम कट ऑफ, तो दोस्तों अंतिम जो कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी 65 से 67 यहाँ पे रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें ईडब्ल्यूएस की 63 से 65 यहाँ पे रहने वाली है। एससी की बात करें एससी की है 53 से 55 यहाँ पे है कट ऑफ रहने वाली है। एसटी की बात करें एसटी की है 56 से 58 है। ओबीसी की बात करें 64 से 65 है। एमबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है यहाँ पे 60 से 65 कट ऑफ रहने वाले। दोस्तों अलग अलग जो कोचिंग संस्थान है उनके द्वारा कट ऑफ बताइए, उसके बाद जो अंतिम निष्कर्ष निकाला गया है वो ये कट ऑफ मैंने बताई है। आप जो कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके वो भी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब हम
जो है बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले विधवा कैटेगरी की और डिवोर्स कैटेगरी की। विधवा और डिवोर्स कैटेगरी की जो अभ्यर्थी है उनकी कट ऑफ जो यहाँ पे क्या रहने वाली है, विडो की कट ऑफ यहाँ पे 40 रहने वाली है दोस्तों, और डिवोर्स की यहाँ पे 45 यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। अब बात करें रिजल्ट की, तो दोस्तों रिजल्ट जो है 4 जून के बाद ही यहाँ पे आएगा। यहाँ दोस्तों मेरे को लग रहा है चुनाव आयोग अभी तक परमिशन नहीं दे रहा है, तो अभी तक अभ्यर्थी जो है काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करवाया जा रहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा परमिशन दी जाए। बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा भी कहा गया है कि चुनाव आयोग की परमिशन नहीं मिल रही है, सचिव के द्वारा भी कहा गया है कि चुनाव की परमिशन नहीं मिल रही है, बाकी कई जो बेरोजगारों के नेता हैं उनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि अभी तक जो यहाँ पे परमिशन नहीं दे रहे। लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करवाया जा रहा है कि चुनाव आयोग परमिशन दो, चुनाव आयोग परमिशन दो, तो दोस्तों अभी तक यहाँ पे परमिशन नहीं मिली। तो मुझे तो ये लग रहा है कि दोस्तों ये जो रिजल्ट है आपका जो 4 जून के बाद ही आने वाला है, 4 जून के बाद जो इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो आपके रिजल्ट आएगा शिक्षक भर्ती की जो वेटिंग संबंधी रिजल्ट है वो यहाँ पे घोषित किए जाएंगे, उसके बाद जो है सूचना सहायक का, फिर उसके बाद है दोस्तों आपके जूनियर अकाउंटेंट का परिणाम आएगा, फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्रीकल्चर वो कृषि प्रवेशक का एग्जाम था उसका आएगा, फिर सीएचओ का आएगा दोस्तों, सीएचओ का क्या एनएम जीएनएम का आएगा, उसके साथ एनएम जीएनएम का आएगा, फिर सीएचओ का आएगा, फिर संगणक का उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लगातार क्रमवाइज इन भर्तियों का परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा, संगणक भर्ती का भी जल्दी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कट ऑफ जो है मैंने एक अनुमानित कट ऑफ बताई है, जो सभी का कोचिंगों का निष्कर्ष करने के बाद जो कट ऑफ निकली है वो मैंने यहाँ पे जो निष्कर्ष पूछा हूँ वो ये कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें और क्या आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी आप बताएं कैटेगरी वाइज। जो रिजल्ट जो है आप उसका जो आपका इंतजार जो है दोस्तों अगले महीने के अंदर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 4 जून के बाद आचार संहिता रिजल्ट वगैरह खत्म, चुनाव कंप्लीट जो है पूरी प्रक्रिया यहाँ पे खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो आपके जो रिजल्ट जो है बारी बारी से सभी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिए जाएंगे, क्रमवाइज जो भी एग्जाम अभी तक हो चुके हैं उनके यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगी। नई भर्तियाँ भी जो है दोस्तों इसके बाद ही जारी होगी, आचार संहिता हटने के बाद ही नई भर्ती आएगी, रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लेवल असिस्टेंट और जो भी अन्य भर्तियाँ हैं वो सभी यहाँ पे जल्दी यहाँ पे जारी होगी। तो दोस्तों आचार संहिता हट जाएगी उसके बाद यह भर्ती प्रक्रिया जाएगी, चुनाव आयोग परमिशन दे देगा तो उसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट प्रक्रिया है यहाँ पे शुरू हो जाएगी, रिजल्ट जो बारी बारी से दे दिए जाएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।